हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। आई एम अ कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन एट संचिति हॉस्पिटल पुणे। आज का केस स्टडी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है और ये है एक 30 साल के लड़के के बारे में। इसका नाम है मिस्टर हरीश पांडे और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत बड़ी कंपनी में पूना में। ये बेसिकली है अकोला से, जो महाराष्ट्र स्टेट में अकोला करके एक जिला है, ये बेसिकली वहां से बिलोंग करते हैं। सो हरीश हैड गॉट अ स्पाइनल ट्यूमर, इनको स्पाइन में ट्यूमर था इनका भैया, और इस ट्यूमर के कारण उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हरीश का ब्रेन है और ये ब्रेन का टेल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और अगर आप ये ग्रेप जैसा एक जो द्राक्ष या गोटी जैसा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये व्हाइट कलर का, तो ये उसके स्पाइनल कॉर्ड में मतलब T1 T2 लेवल पे इनको ये ट्यूमर था। यहाँ पे जूम करूंगा आपको, एक्चुअल कट्स में भी अगर आप देखेंगे ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, दिस इज द ट्यूमर। और अगर हम एक्चुअल कट्स लेंगे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसके इर्द गिर्द व्हाइट फ्लूइड है, बट इनका जो ये ट्यूमर है वो पूरा ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्यूमर है और साइड में ये कॉर्ड डिस्प्लेस हो गया है इनका, यू कैन सी हियर। एंड अगर हम कॉन्ट्रास्ट MRI देखेंगे, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट MRI, इसमें जैसे मैंने बताया ये नॉर्मली ये ट्यूमर ये नॉर्मल कॉर्ड है, बट इस जगह पे ये पूरा व्हाइट कलर का ट्यूमर बढ़ गया है, इसने पूरा कैनाल को ऑक्यूपाई कर लिया है और ये साइड में जो पतली सी स्ट्रक्चर दिख रही है वो है थिंड आउट स्पाइनल कॉर्ड। हरीश को इतना दर्द था कि उनको पैरों में कमजोरी शुरू हो गई थी, चलना मुश्किल था और हाथों में और चेस्ट एरिया में उसको बहुत ही ज्यादा दर्द था। 3 महीने पहले हमने इनका स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर एक्सीजन सर्जरी कराया और आज ये फॉलोअप के लिए आए हैं एंड ही इज टेलिंग मी कि डॉक्टर आई एम 100% नॉर्मल। तो दोस्तों, कुछ सालों पहले ये स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर एक्सीजन सर्जरीज वर वेरी रिस्की एंड वेरी चैलेंजिंग सर्जरीज, बट इन टूडेज मॉडर्न एरा ये ट्यूमर एक्सीजन सर्जरीज हैव बिकम वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि नंबर 1 न्यूरो मॉनिटरिंग, ऑपरेशन के दौरान हम न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं विच इज कॉन्स्टेंट स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग, और ये मॉनिटरिंग के दौरान उनके जो स्पाइनल कॉर्ड के इम्पल्सेस है जो ब्रेन से छोड़कर हम पैरों में एक्सेप्ट करते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर वो नसों को कोई धक्का लगता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है, तो तुरंत अलार्म ब्लिंक होता है और डॉक्टर इमीडिएटली ही गेट्स अ हेड्स अप, डॉक्टर को पता चलता है कि इसके दबाव आया है, वो दबाव हटा दिया तो आगे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है न्यूरो नेविगेशन, कि ट्यूमर पूरा निकला है कि नहीं ये भी हमको पूरी तरह से पता चलता है, एंड इंट्रा ऑपरेटिव सीटी स्कैनर विच इज ओआ। सो आज 3 महीने के बाद हरीश फॉलोअप के लिए आया है एंड वी विल लिसन फ्रॉम हिम कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और वो क्या रेकमेंड करेगा। यस हरीश, समय मुझे बहुत तकलीफ थी, बैक पेन राइट साइड में बहुत ज्यादा पेन था, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया बट वो रिलीफ नहीं मिला। तो फाइनली एक डॉक्टर ने मुझे MRI स्कैन करने बोला, तो उसमें ट्यूमर ये हुआ, क्योंकि मैं बहुत डर गया था, क्योंकि जैसे कि पता है ट्यूमर होने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड बहुत रिस्की होता है, तो बताया था डॉक्टर ने कि रिस्क होता है इसमें, मैं बहुत डर गया था। बट मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि संचिति हॉस्पिटल में अजय कोठारी सर है और वहाँ पे न्यूरो मॉनिटरिंग, जैसा सर ने बताया न्यूरो मॉनिटरिंग OAM, ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा मैंने, रिसर्च किया और फिर पता चला ये बस संचिति हॉस्पिटल में अवेलेबल है, बाकी कहाँ पे नहीं। तो फिर सर से मिलने आया, सर ने मुझे अच्छे से समझाया कि रिस्क नहीं है, पहले रिस्क था अभी टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ रिस्क नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा मेरा डाउट क्लियर हो गया और मैंने तुरंत सर बोले जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सर्जरी कर लेंगे, तो मैंने नेक्स्ट मंथ में ही अपॉइंटमेंट ले लिया। अभी मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, जैसे पहली लाइफ थी मेरी वैसी नॉर्मल लाइफ, कुछ भी तकलीफ नहीं है, फ्री एकदम जी रहा हूँ। थैंक यू, हो गया, कुछ भी तकलीफ नहीं है। थैंक यू अजय सर, चलो थोड़ा चल के दिखाइए। वेरी गुड, थोड़ा सामने झुक के पैरों का अंगूठा पकड़िए, बेंड फॉरवर्ड्स, ठीक है, पीछे हो जाइए, थोड़ा शॉर्ट ढीला नीचे कर दीजिए। वी कैन सी कि इनका सर्जरी हमने यहाँ कराया था, यू कैन सी दीज आर द स्टिचेस, बिकॉज ये D1 D2 लेवल पे था
सो ये नेक एरिया है एंड दीज आर द स्टिचेस. तो यहाँ पे से हमने एक्सपोज कर वो ट्यूमर एक्सीजन किया था. सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई एम ग्लैड कि यू नो वी कुड हेल्प यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.